वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। सो चिल्ड्रेन, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। एंड चिल्ड्रेन, वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट डाउन द डेट ओवर हियर। So today is 10/9/20. Class 11C. Subject psychology. Okay, children, so many things we have discussed, children. So many things are there which we have discussed. As you all know that our syllabus is divided into two parts, term one and term second. So term one is including the three chapters. The chapter one, what is psychology? The chapter two, the chapter 2 is the chapter 1 is what is psychology, chapter 2 is method of inquiry in psychology, and chapter 3 is the basis of human behavior. So we are studying the basis of human behavior. Hum log kya pad rahe hain? Basis of human behavior pad rahe hain, theek hai? So in the terms of the basis of human behavior, so we are studying about the basis of the human behavior. In the basis of the human behavior, I told you about the evolutionary perspective. After the evolutionary perspective, there is a discussion about the, after the evolutionary perspective, there is a discussion about the basis of human behavior. Where we have discussed, there are two bases: cultural basis, social basis, and the biological basis. So basically, children, we are studying about the biological basis. बायोलॉजिकल बेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल बेसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल बेसिस में हम लोग वी स्टडीड अबाउट द न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा, नर्व इम्पल्स एंड द सिनाप्स। सो इनकी, इन सभी के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। इनके फंक्शन, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये डिस्कस आप सभी कर लेंगे। हर एक स्ट्रक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी, मतलब स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको और उसको डिस्क्राइब भी करना है, तो ये आप क्लियर कर लोगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अनदर बेसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर आफ्टर द न्यूरॉन इज द नर्वस सिस्टम। ओके, सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ लाइक न्यूरॉन्स। मैंने बताया कि देर आर 12 बिलियन न्यूरॉन फाउंड इन अवर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो है, वो पूरा सिस्टम जो है, ये न्यूरॉन से मिलके बना है। एंड इट इज, एंड न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन जो होता है ना, हमारे इतने बड़े नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट होता है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आप सभी ने बच्चों क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इन डिटेल, ठीक है? नाउ द नर्वस सिस्टम इज डिवाइड, देयर आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। So let's study about the classification. So this nervous system is divided into two parts: CNS, yani central nervous system, PNS, yani peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral. CNS denote for central nervous system. Central
nervous system. PNS denote what? Peripheral. Nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे. देन इनके भी क्लासिफिकेशन है. द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देन अगेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी चलिए पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है CNS. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेंट्रल है, एक पेरिफेरल है. अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट आर द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. देन ब्रेन आपका अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, ब्रेन भी हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. स्पाइनल कॉर्ड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. ठीक है, मैटर है, व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर है. स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी रोल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी. ठीक है, इट अटैच विद द सेरिबलम एंड देन इट्स हेड. बेसिकली आप कह सकते हैं इट्स कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड एट द एंड इट इज लुक लाइक अ टेल. ओके, टेल की तरह होता है. और वेन यू डू अ सर्जरी तो इट लुक लाइक्स अ बटरफ्लाई शेप. तो स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप होता है अगर आप उसकी सर्जरी करेंगे तो ये एक तरह से बटरफ्लाई की तरह शेप में होता है. इसलिए इसको इसका जो शेप होता है बटरफ्लाई की तरह होता है, इसलिए हम इसे बटरफ्लाई शेप कहते हैं. ठीक है, इनसाइड इज द ग्रे मैटर, आउटसाइड इज द वाइट मैटर. ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर. फाइन, सो इफ इट इज क्लियर सो शैल वी मूव फॉरवर्ड. आप प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए. यू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों. देन अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज द सेंट्रल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट हैज़ मेनी पार्ट्स. द मेन पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज द ब्रेन. एंड ब्रेन इज सच अ पावरफुल थिंग, सो विच इज अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द ब्रेन क्लासिफिकेशन मोर इन डिटेल. ठीक है, so I will rub the board with the hope you all have written it down. Now here will I will write down the brain. kya likhenge? brain. brain डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, अभी जस्ट मैंने बताया.
brain is divided into three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain again divided है कुछ parts में. Forebrain के भी कुछ parts आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है thalamus. Thalamus, then hypothalamus. Thalamus, hypothalamus, then limbic system, then cerebrum. Cerebrum और cerebellum में difference है. सेरिब्रम जो होता है वो बिग ब्रेन होता है. सेरिब्रम लिटिल ब्रेन कहा जाता है. सेरिब्रम पूरा मतलब ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट आपका सेरिब्रम होता है. और एट दी बैक साइड में यहाँ जो होता है ना, डेट इज अ सेरिबलम. इट्स ऑल्सो लुक लाइक द ब्रेन, बट वो स्मॉल ब्रेन इसीलिए उसको कहते हैं सेरिबलम. वो पार्ट है आपका हाइंड ब्रेन का. फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम. कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सेरिब्रम और सेरिबलम एक चीज है, बोथ आर डिफरेंट पार्ट. ठीक है, नाउ कमिंग टू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन में एक ही चीज आती है आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. फिर हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम. मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम, ये जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है. मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है. ओके, प्लीज मेक इट दिस काइंड ऑफ पाई चार्ट इन योर कॉपी, अ फ्लो चार्ट. ओके, द मोर चिल्ड्रन, द मोर एंड मोर यू विल मेक अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू. जितना ज़्यादा आप वो जो कंसेप्ट हैं उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू स्कोर द गुड मार्क्स. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. सो वन बाय वन सभी पार्ट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द हाइंड ब्रेन. ओके, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है. अंडरस्टूड? आपको यही लिखना है बेटा, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड वॉट आर इट्स फंक्शन, उनके फंक्शन क्या है, यही तो आपको याद रखना है. दिस वॉट यू हैव टू रिमेंबर. फाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइंड ब्रेन से. हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में थ्री पार्ट्स में मैंने डिवाइडेड बताया था, जिसमें सबसे पहला होता है मेडुला. इसका पूरा नाम जो होता है, द फुल नेम ऑफ दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोंगाटा. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. हैंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है मेडुला. मेडुला का फंक्शन ये होता है कि मेडुला इज एबल टू कंट्रोल द ब्रीथिंग. ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है मेडुला. ब्रीथिंग, रेट,
ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, मेडुला, प्रिथिन रेट, हार्ट बीट, इंटरनल इक्विलिब्रियम, ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, इंटरनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडरस्टूड? ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, आई होप स्टिल इट इज विजिबल टू यू ऑल एवरीथिंग, ओके, सो चिल्ड्रन राइट डाउन द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मेडुला, ये मेडुला का फंक्शन होता है, ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, इंटरनल इक्विलिब्रियम यानी इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी इनको मेंटेन करके रखना, तो मेडुला इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, I just hope you all are writing it down. Okay. आगे बढ़े the next part. Hindbrain का ही next part. The next part है मेडुला के बाद पॉन्स, पॉन्स को स्लीप मैकेनिज्म भी कहा जाता है, स्लीप मैकेनिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीप मैकेनिज्म, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, ओके, पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्लीप के लिए, स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल है पॉन्स, स्लीप मैकेनिज्म है, देन पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप मैकेनिज्म, स्लीप, पॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जस्ट लाइक आई विल शो यू द ब्रेन, जैसे बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में पॉन्स, ठीक है, इट्स मेक यू टू डू फॉर दैट, जैसे आप बहुत से पर्सन होते हैं ना जिनको दे आर अनएबल टू स्लीप, लाइक इंसोमिया की प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देयर पॉन्स गेट अफेक्टेड, उनके पॉन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नाउ स्लीप मैकेनिज्म होता है पॉन्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, रेस्ट, ठीक है, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़े, हाइंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, देन है फोर ब्रेन, जो कि मेन पार्ट होता है ब्रेन का, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग फ्रॉम डिफिकल्टी लेवल यानी लोअर टू हायर, सो हमारा ब्रेन जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सो हाइंड ब्रेन मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया, मिड ब्रेन कर लिया, नाउ द टर्न ऑफ द, सॉरी मिड ब्रेन मैंने आप सभी से डिस्कस नहीं किया, मैं फोर ब्रेन पे आ गई, सो सॉरी, सो मिड ब्रेन तो अभी डिस्कस ही नहीं हुआ, आई हैव डिस्कस विद यू ओनली द हाइंड ब्रेन विच इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, मेडुला, पॉन्स एंड वन मोर पार्ट इज लेफ्ट, ओ सो सॉरी चिल्ड्रेन, हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट हमें पढ़ना था, ठीक है, हाइंड ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम, हमने मेडुला पढ़ा, पॉन्स पढ़ा, अब हाइंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है, तो सॉरी हम लोग अभी हाइंड ब्रेन ही पढ़ रहे हैं बच्चा, तो हाइंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम मैंने अभी जस्ट बताया कि सेरेब्रम जो है
उसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो लुक लाइक जस्ट लाइक द ब्रेन, ब्रेन की तरह ही दिखता है ये भी, तो इसीलिए इसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन को क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। सेरेबेलम, सेरेबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटर कोऑर्डिनेशन। जिनको जैसे बेटा पैरालिसिस होते हैं, अनएबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर देयर बॉडी स्ट्रक्चर, पैरालिसिस होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता, अनएबल टू टेक अप एनी ऑफ द थिंग्स, अनएबल टू मूव प्रॉपरली, तो जिनका अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनके सेरेब्रम में इफेक्ट होता है, उनके माइंड में सेरेब्रम में इफेक्ट होता है ब्रेन में। और वन ऑफ द डिसऑर्डर इज ऑल्सो देयर विच इज नोन एज पार्किंसन डिजीज इन द साइकोलॉजी, एंड दैट डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर एबनॉर्मेलिटीज, मोटर एबनॉर्मेलिटीज हैं यानी कुछ मोटर प्रॉब्लम है। तो सेरेब्रम लिटिल ब्रेन होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए जाना जाता है, इट इज नोन फॉर द मोटर कोऑर्डिनेशन। फाइन, हाइंड ब्रेन, सेरेब्रम, मोटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर दिस इज? नेक्स्ट, मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए जाता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं? सेरेब्रम के होते हैं। तो सेरेब्रम प्लेड सच अ ग्रेट रोल, सेरेब्रम, तो ये तीनों ही, ऑल थ्री आर द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम को हमेशा याद रखिए कि बॉडी कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड ये होता है, इसके सारे फंक्शन उसी से रिलेटेड होते हैं, इसे लिटिल ब्रेन कहते हैं क्योंकि इट जस्ट लुक लाइक द ब्रेन, और दैट इज वाई इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े मिड ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट कन्फ्यूजन। सो अभी तक हम लोग सिर्फ हाइंड ब्रेन पढ़ रहे हैं। हमारा ब्रेन, अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, वेयर आई हैड डिस्कस विद यू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया है। प्लीज राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम ऑल्सो। ओके, सो आई जस्ट होप आपने लिख लिया होगा, इससे आगे बढ़ रहे हैं। सो हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हमने कंप्लीट कवर कर लिया। नाउ मूविंग टू द फोर ब्रेन। सॉरी, पहले मिड ब्रेन डिस्कस कर लें, फिर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रॉड ब्रेन वो ब्रेन होता है, इट कवर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन में मैंने बताया, जो मिड ब्रेन है आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो ये जो कवर है ये फोर ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन, और पीछे जो पोर्शन है वो हाइंड ब्रेन। कुछ इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है अगर उसकी सर्जरी होती है तो। यहाँ ये देख लो, ये जो पार्ट है इसी से स्पाइन नीचे जाता है, यहाँ पे ऐसे जस्ट ब्रेन की तरह ये भी पूरा डेंटल होता है, ये ब्रेन से जस्ट पीछे अटैच होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, तो ये जो मेजर पार्ट है ये पूरा फोर ब्रेन होता है, यहां से आपका हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, मिड ब्रेन में आरएएस है, नाम से पता चल रहा है, तो बेसिकली मिड ब्रेन में आरएएस यानी जिसका फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सो ये नाम से पता चल रहा है एक्टिवेटिंग, so this is that part of the brain which is responsible for the arousal, arousal के लिए responsible है, आपको arouse करके रखना, आपको aware करके रखना, ये mid brain की responsibility है। mid brain is responsible for the arousal, for the awareness, okay?
मिड ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अराउजल के लिए और अवेयरनेस के लिए. इसका फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. एक्टिवेटिंग नाम में दिया हुआ ना, एक्टिवेटिंग यानी एक्टिवेट करके रखता है आपको अराउज. जैसे आप अगर अराउजल में हैं तो मिड ब्रेन इज वर्किंग. जस्ट अपोजिट इसका पॉन्स होता है जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है. पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप के लिए और आरएस रिस्पॉन्सिबल होता है अराउजल के लिए. तो मिड ब्रेन में अगर कहीं से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये होता है यू आर अनएबल टू स्लीप या फिर यू आर हाईली अराउज. आप हर समय बहुत ही ज़्यादा हाईली अराउज रहते हो. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड चिल्ड्रेन नाउ. So I can consider here you have an understanding about the hindbrain, midbrain, and you understand about the classification of the nervous system, how it is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Right now in this video we are discussing only the central nervous system. हम लोगों ने सिर्फ central nervous system पे focus किया हुआ है. Peripheral अभी मैंने आप सभी से discuss नहीं किया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. एंड ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के क्लासिफिकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं. इट इज क्लियर? सो हाइंड ब्रेन मैंने डिस्कस कर लिया, मिड ब्रेन डिस्कस कर लिया. नाउ द पार्ट इज द फोर ब्रेन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट. फर्स्ट इज द थैलेमस एंड अदर इज द हाइपोथैलेमस. Third is the limbic system, thalamus, hypothalamus. और क्या है limbic system है आपका? Thalamus, hypothalamus, limbic system. Limbic system भी two parts में divided है. Our limbic system, which is a part of the forebrain, is divided into two parts. Hippocampus. And amygdala, hippocampus and amygdala. The next and the last part of classification is cerebrum. Don't be mistaken with the. So sorry, it is not showing to you all. तो यहाँ तक तो आप सभी को ये शो हो रहा है. Limbic system, hippocampus, amygdala. Next part is cerebrum. Cerebrum को please mistaken नहीं करेंगे cerebellum से. सेरिब्रम इज समथिंग डिफरेंट. सेरिब्रम को का एक और नाम है जिसे कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रम को कई कई जगह पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी दिया होता है. तो ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली फॉर ब्रेन का. ये सभी चीज़ें बच्चों आपने टेंथ में भी पढ़ी होंगी. ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो न्यू है आपने ना पढ़ा हो. ठीक है, तो जस्ट डू द रिवीजन कर लेंगे इन सभी चीज़ों का. इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन तो नोट डाउन कर लेंगे कि हमारा फॉरब्रेन फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम. सेरेब्रम को सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं. लिम्बिक सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये याद रखना है. हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला. तो टुडे इन दिस वीडियो चिल्ड्रन आई हैड डिस्कस विद यू द क्लासिफिकेशंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.